गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, 5:4:1। जो बाबू पहली लाइन में रेशियो दी होती है वो हमेशा क्या होती है, ओल्ड रेशियो। इट वॉज डिसाइडेड टू विद द इफेक्ट 1 अप्रैल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, उनकी रेशियो हो गई 9:6:5। ये क्या होगी, हमारी न्यू रेशियो। फर्स्ट लाइन में जो ली होती है वो ओल्ड रेशियो होती है, जो नेक्स्ट लाइन में दी होती है वो न्यू रेशियो होती है। गुडविल की वैल्यू दी हुई है आपके सामने। गुडविल इज टू बी वैल्यू टू ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब वो प्रॉफिट क्या क्या है सुनिए, 1, 2, 3, ये 3 ईयर्स है। प्रॉफिट दिया हुआ आपके सामने 48,000, 42,000, 60,000। क्लियर। अब आपको इसमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज के लिए क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे आप। ₹1,50,000 एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ईयर परचेज। गुडविल 2 ईयर परचेज 50,000 इंटू में 2 कितना आ गया, 1 लाख। क्लियर बेटा जी। अब हमें रेशियो निकालनी है ए बी और सी की। ओल्ड रेशियो 5:4:1 और न्यू रेशियो क्या है आपके सामने, 9:6:5। चलिए, क्या फार्मूला होता है सेक्रीफाई रेशियो निकालने का। सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का शेयर निकालेंगे, 5 और 4 और 1 तीनों को प्लस किया, 5/10 माइनस 9, 6 और 5, 9/20। एलसीएम निकाल दो, 20 यहाँ पर कितना आ गया, 10, 9, 1/20, यानी कि क्या आया, सेक्रीफाई, क्योंकि यहाँ पर किसका निशान आया, प्लस का। अब बी का निकालो, 4/10 माइनस 6/20, इन सबको प्लस किया, 20 एलसीएम, 8 - 6, 2/20, 1/10 कर देती हूँ, सेक्रीफाई। सी का निकालो, 1/10 माइनस 5/20, 20 एलसीएम, 2 - 5, 3/20। यहाँ पर 2 प्लस का है, 5 क्या है माइनस का है, तो वो ज़्यादा है, तो क्या हो गया, गेन। अब आपके सामने ये रेशियो आ गई, ए की 1/20, बी की 1/10, सी की 3/20। अब इसको क्या करेंगे, जो गुडविल का शेयर है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई निकाल लीजिए। 1 लाख इंटू में कितना आया था ए का, 1/20, कितना आ गया आपके पास, आपने इसको किया 5,000, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 5,000। अब बी का निकाल दो, बी का कितना था, 1/10, 1 लाख इंटू में 1/10, कितना आ गया, 10,000। अब आपने सी का निकालना है, 1 लाख इंटू में 3/20, इसका कितना आ गया आपके सामने, 15,000। अब ये देखो, ये क्या है, गेन, ये क्या था, सेक्रीफाई, ये क्या था, सेक्रीफाई। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो गेन है वो गेन कितना आ रहा है आपका, 15,000, और सेक्रीफाई कितना आ रहा है, ए का 5 और इसका 10। तो जो बाबू आपका गेन करता है उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू
20 कैपिटल अमाउंट डाल देंगे आप, कितना आएगा यहाँ पर आपके पास 15,000, यहाँ कितना आया आपके पास ए के पास 5,000 और यहाँ कितना आया आपके पास 10,000। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। मान लीजिए आपको रिजर्व गिवन है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस का आपको दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो वो क्या बन जाएगा आपका डेबिट। कोई भी आ जाए बेटा जी, उसको हमेशा किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा ओल्ड रेशो। रिजर्व आ जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाए, यदि आपकी दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट दिया हुआ तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये सब के सब किस में बढ़ते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कौन सी होती है बेटा जी, जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, यानी कि जो आपके फर्स्ट लाइन में गिवन होती है। अब इसका ही मैं एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, देखिए इसको। आपकी एक एंट्री हो रहा है कि मान लीजिए आपको एक्युमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, तो आपको मैंने अभी कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का यदि डेबिट दिया हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, लाइक जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ वर्ड, तो तब भी क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको भी हमेशा कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड 4-3-2 आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, किसका बैलेंस लिखा हुआ है, क्रेडिट। अभी मैंने आपको बताया था क्रेडिट लिखा होगा तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट। क्या एंट्री बन जाएगी अब आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको क्रेडिट दिया हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। क्लियर, एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अकाउंट शब्द आपको पता ही है, 11 से समझाते आ रहे हैं कि एस अपोस्ट ऑफिस एस लगाकर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता। यहाँ पर आपको 120,000 को कौन से रेशो में बांटना है, जो रेशो आपके पास गिवन है, 4:3:2 में। क्लियर, यदि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, साथ में भी क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 45,000 का, तब भी क्या एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। उसको भी 45 को कौन से रेशो बांटेंगे, 4:3:2। क्लियर, यदि आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, $90,000 का। अब अभी आपको बताया था क्या एंट्री हो जाएगी, रिवर्स, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट $90,000 को आप कौन से रेशो में बांटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप 90,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे, जो रेशो आपके पास गिवन है, 4:3:2। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आप इसको सस्पेंस को पूरा नहीं लिख पाते हैं तो आप छोटा सा करके भी लिख सकते हैं, ये लाइन मैंने इधर लग गई है मुझसे, तो 90,000 को क्या करेंगे, 4-3-2 बांटेंगे, एक का आएगा 40,000, एक का कितना आएगा 30,000
और ए का कितना आएगा 20,000। क्लियर बच्चे, ये एंट्री बनेगी। अब आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, इवनिंग तक बेटा जी क्वेश्चन मेरे पास पहुँच जाने चाहिए। आप लोग अपना होमवर्क मुझे सेंड करेंगे आज ही।